हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। तो अब तो सुबह हो चुका है, तो मैं उठ के मेरा अपना काम सब ख़त्म कर चुकी हूँ और फिर तो अभी जाऊँगी, थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी और एक्सरसाइज करने के बाद फिर पापा को लेके नाश्ता दूँगी। और पापा तो अभी बैठे हैं, फ्रेश भी नहीं हुए हैं, फ्रेश होएंगे जब फिर खुद ही बोलेंगे। और अभी तो दादी को भी देख के ही, दादी भी सोए हैं। तो चलो मैं एक्सरसाइज करके आपसे मिलती हूँ। और मेरा ब्लॉग कल का आ चुका है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर मेरा ब्लॉग देखिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सब्सक्राइब करके ही आना, लाइक करके ही आना और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए। आप लोग कोई चीज़ दिखाना है तो निशा का आज से स्टार्ट हो गया वर्कआउट, तो करना भी चाहिए। क्या होता है ना, बॉडी बॉडी को भी वर्कआउट चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना खाते हैं उसके हिसाब से वर्कआउट भी होना चाहिए। या तो क्या होता है ना, एक्स्ट्रा कार्ब्स रहने के दिन उसके बाद बॉडी क्या होता है ना, थोड़ा फैटी हो जाता है, थोड़ा मोटे हो जाते हैं। तो कभी कभी टाइम यानी कि निकालना चाहिए उसके लिए, क्योंकि बॉडी को कुछ शेप में होना चाहिए, बॉडी एक साइज़ में होना चाहिए। तो सुबह से आप आधा घंटा या 20 मिनट ऐसे स्टार्ट करिए, देन धीरे धीरे आपका आदत बढ़ता जाएगा और टाइम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये रेगुलरली करते हैं, बट कुछ तबीयत के कारण ये बंद कर देते, तो आज से फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। तो बस आप लोग को दिखा रहा था, देख सकते हो आप फ्री स्क्वाड मार रहे हैं। बस वो ना यूट्यूब में देखते हैं फ्री वर्कआउट जुम्बा वगैरह देख के अपने आप खुद करते हैं। तो बस यही दिखाना था आपको, आपको ये ब्लॉग में एक नई चीज़ आपको देखने मिला, अनीशा का एक नया रूप देखने मिला आपको। तो बस ऐसे ही देखते रहिए। और तो मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, मैं बोली थी मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, तो 30 मिनट्स का एक्सरसाइज किया मैंने और फिर जा रही हूँ, पापा बुलाए नाश्ता देने के लिए, तो जा रही हूँ पापा को नाश्ता देने। आपके भाई तो उठ चुके हैं, बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो वो क्या मोबाइल में क्या कर रहे हैं, जा रही हूँ पापा को नाश्ता देने, पापा बुलाए। इतना दिन के बाद एक्सरसाइज किया मैंने, तो बहुत ज़्यादा थक गई। ऐसे कंटिन्यूसली करते रहोगे तो इतना कुछ, मैं 45 मिनट्स कर लेती हूँ, एक घंटा कर लेती हूँ, पर इतना दिन के बाद एक्सरसाइज किया तो इसलिए बहुत थक गया मैंने। तो पापा का नाश्ता रेडी है, पापा को लेके जा रही हूँ देने के लिए। पापा को नाश्ता देके आ गया मैंने। और आपका भाई का तो मोबाइल ऐसी लगा जरा, पसीना हो गया, वर्कआउट करना स्टार्ट हो गया था, अनीशा का पसीना स्टार्ट। चलिए
पूछेगा नहीं पसीना भी उसका पसीना रहेगा रहेगा सूखेगा जब भी उसका स्मेल करेगा पूछ देगा ना। ठीक है आप ऐसे मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, आगे चलते क्या होता है क्या नहीं, आप ऐसे आगे वो आगे को देखते रहोगे तो जानोगे मेरे ब्लॉग में क्या आता है क्या नहीं। स्किप मत करना है। ठीक है देखते रहिए। तो दादी का चिल्लाना स्टार्ट, जा रही हूँ दादी के पास। देखो सभी को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। और तो जल्द जल्द जाके काम ख़त्म करते हैं, जुम्मा है, जुम्मा पढ़ने जाओगे? जुम्मा पढ़ने जाएंगे। देखो बेड का हालत, मैं कुछ नहीं करती, मैं पूरा वो साइड में पूरा सोते हैं, ये कैसे करके सोते हैं देखो। नहीं वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो ये भी नहीं होता, मैं ही इसको भी किया हूँ, क्या था भी हालत मैं ही किया हूँ। चलो बेड का सफाई करते हैं। मैं करता हूँ तो मैं साफ करता हूँ, मैं सजाता हूँ, ये कुछ नहीं है, बस जाके सोते हैं, सोते हैं उठते हैं और कुछ नहीं करते ना, बस वही तो इसलिए तो मैं करता हूँ। तो चलो बेड सफाई कर देते हैं, फिर जाऊँगी, फिर खाना बनाएंगे। तो मैं कर दूंगी, छोड़ो क्रेडिट बैंक क्रेडिट इसलिए हाल पे। अच्छा तो बताओ मैं जब घर में रहता तुम्हें यही काम कराती ना? हाँ तो कर देते, तुम तो छोटा काम इतना काम करती है, छोटा काम तो कर सकोगे? घर में तुम्हारा क्रेडिट नहीं कर देती, तारीफ करती है। तारीफ की क्या बात है, तुम फिर जब काम में जाती फिर कौन सा यार था फिर? कि मैं जब घर में रहता हूँ तो ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा ड्यूटी है कि मैं जब घर में रहता हूँ। बोलो सच सच बोलो, घर में रहने से तो बोलते ना नहीं बेड से दो यार। दीदी का हेल्प करना चाहिए जी, बेशक बेशक करना चाहिए। नहीं ये मेरा हर चीज में हेल्प करते हैं, खाना बनाना तो उनका आता नहीं है, अगर वो भी आएगा तो वो भी कर देंगे वो जी बेशक, तो लेकिन हर चीज में वो हेल्प करते हैं। जल्दी जल्दी साफ करो। जल्दी का काम कौन करता है? तो वो बेड साफ कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ उनके लिए प्रोटीन प्रोटीन लेके आऊंगी। जल्दी का काम किसका रहता है? शैतान का। शैतान तो मैं दस बीस हो गया लेकिन पर हमारा काम अब तक खत्म भी नहीं हुआ है, आज सब लेट हो गया। तो कोई नहीं, काम तो ऐसे होता ही रहेगा। शक्कर जिम में छोड़ के आ गए हो? इसमें है नहीं? हाँ तो आपका भाई का शेक रेडी। लो तुम्हारा शेक। पहले पी दूँ उसके बाद? नहीं नहीं काम कर लो फिर कर पीना।
फिर मैं जा रही हूँ खाना बनाऊंगी, बहुत लेट हो गया। आज भी बारिश हो रहा है। आज पापा मछली लेके आए हैं, आज हमारा मछली बनेगा। जुम्मा में पापा मछली लेके आए हैं। इसका सब्जी बनेगा आज। अभी तो फिलहाल खाना चढ़ा हुआ है और इसका सब्जी और मछली। तो मछली फ्राई भी हो गया और यहाँ पे भाजी भी बन गया और यहाँ पे दाल भी बन गया। फ्राइज भी बन गया यहाँ पे, जो कि बहुत फ्राई कर रही हूँ। तो मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया, सब खाना वाना बना दी। और देखो आगे बैठे हैं किचन में, तो चलो जाएंगे। आज जुम्मा भी है, जाएंगे जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ, जुम्मा पढ़ने चलो। मैं भी जा रही हूँ फ्रेश होकर, दादी को खिला के जाऊँगी, नमाज और किताब पढ़ के उठूँगी। ऐसा नहीं तो बहुत लेट हो जाता, दादी को नमाज पढ़ के किताब पढ़ के उठने के बाद दादी को खिलाने टाइम बहुत लेट हो जाता है ना। तो टेंशन में है थोड़ा, कुछ काम वाम नहीं है। ऑक्सीजन चल रहा है ना, तो अभी काम थोड़ा, बारिश का सीजन चल रहा है, काम भी नहीं है, घर में रहने बहुत चिड़चिड़ लगता है, अच्छा नहीं लगता। कुछ काम वाम करके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब करके रखता हूँ। आज जुम्मा है तो इसलिए कुछ ध्यान नहीं दिया, हमारा काम है उधर का, बहुत काम है और भी है, और काम भी होने वाला है जुम्मा के बाद भी, तो भी नहीं खाएंगे क्या काम होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे देखते रहिए हमारा ब्लॉग, आगे तो बने रहिए ब्लॉग पे, तो अभी क्या क्या होता है आपको दिखाएंगे। ठीक है, और आपको एक रिक्वेस्ट, आप लास्ट वाला वीडियो मैं हमेशा हर ब्लॉग में बोलता हूँ इसलिए, क्योंकि आप लोग का जहाँ यानी कि आपको मालूम होगा नहीं होगा, तो इसलिए आप जाके हमारा यानी पिछला वाला ब्लॉग जाके देख, ठीक है, जब नहीं देखे जब नहीं हो तब सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, सपोर्ट करना मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं आप हमारे फैमिली में बन के रहिए और बस यही है, आगे देखते रहिए। तो यहाँ जुम्मा पढ़ने जाने के लिए पूरा रेडी, इसका जो स्मेल मुझे यार किसी में स्मेल माने स्मेल पसंद है। बंटी के गेट बहुत पसंद, बंटी जब आते कहते भाई मैं ठेले के भाग जाऊं, बहुत अच्छा लगता है स्मेल। तो गाइस मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है, तो दुआ में याद रखा और मैं भी दुआ में याद रखूंगा, तो आप सबको जुमा मुबारक, ठीक है, आते हैं। मैं फ्रेश नहीं हो रही, मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ, तो मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, और फिर फ्रेश होके आके दादी को खिलाऊंगी, खिलाने के बाद जाके नमाज पढ़ूंगी। तो देखते रहिए मेरे ब्लॉग को।
उठ के बैठ गए खाएंगे। खाली वो चाय और बिस्किट जितना दोगे वो खाएंगे, खाना खाने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं दादी को खिला देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ के आने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। रोटी बनाने के लिए मेरे लिए, तो वो किताब पढ़ रही है और मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए, खा के उठने के बाद अपनी नमाज पढ़ के अपने से सब खाएंगे, पापा मम्मी अपी और आपके भाई सब खाएंगे। मैं जा रही हूँ खाने के लिए, मैं सबको खाना दे रही हूँ, तो अभी जा रही हूँ आपके भाई को खिलाने के लिए। तो चलो कि भाई को खिलाते हैं, भाई को खिला के फिर क्या करते हैं क्या नहीं, ऐसे जुड़ी रही है हमारे साथ। उठी सी हो? बोला तो कितना बार बोला तुझे, किताब पढ़ रहे ओए थागो। वो किताब पढ़ते आंसर में आई भी तो अब तो देखी मेरे को भाई नमाज पढ़ रहे हैं, उनका खाना मैं निकाल के लेके आ गई, क्योंकि वहाँ पे हमने ये सबको खाने पीने थी तो इसलिए उनका भी खाना निकाल के लेके आ गई। तो अभी उठ के आएंगे उनको खिलाऊंगी। अरे आ गया किताब पढ़ के खाएंगे, मैं तो खाना खा ली है, मैं तो खा लिया तो क्या खाया? मैं खाया रोटी भाजी मछली। मछली रोटी भाजी मछली खाने। तो चलो खाने चलो। थामो खाएंगे हम लोग, खाली होंगे शायद। कितना टाइम हुआ नहीं? 2:45 नहीं 3 बज गया, तो थोड़ा लेट हो गया ना नहीं। चलो खाते हैं। तो खाने के बाद मिलते हैं। तो गैस अभी देख सकते हो ये काम अभी होने वाला है, तो पिट्टी आ चुका है और भाई भी आ चुके हैं इसको काम करने के लिए, क्योंकि ये सब कंप्लीट हो चुका है इस तरफ का सब। ये तो वॉलपेपर लगेगा बट इस तरफ कॉलर होगा, तो अभी ये काम हो रहा है। तो उस दिन जो मैं काम कर रहा था इसको काम कर रहा था मैं, तो देख सकते हो कंसील करके उसको सीमेंट करके उसको अंदर करना पड़ा, क्योंकि पहले बाहर था तो इसको कलर करेंगे। पहले कुछ प्लान अलग था, अभी इसको प्लान कुछ अलग कर दिया। इसको पहले सोचा था कि मैं पैनलिंग वगैरह करूँगा और उसको बाद में करेंगे, बट इसको मैं अभी सोच रहा हूँ कि पुट्टी वगैरह करके उसको कलर कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि वॉलपेपर लग जाएगा और ये पैनलिंग होने के लिए थोड़ा लेट होगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी कलर कर देते हैं, बाद में कलर ये करेंगे। और सोफ़ा वगैरह भी आ चुका है बट उसको अभी रखने के लिए ये सब ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको अभी ओपन नहीं किए हैं।
तो चलो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, काम जैसे कंप्लीट होगा तो आपको दिखाएंगे कैसा हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है? तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्लॉग। तो हमारा घर अभी काम चल रहा है, हमने अभी नमाज पढ़ कर उठा, मेरे हस्बैंड के मेरे दोनों हम दोनों नमाज पढ़ रहे थे, मगरिब का नमाज़ पढ़ के हम दोनों अभी उठ के आए और फिर जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी और इवनिंग में तो यही होता है, चाय बनेगा और कुछ कुछ नाश्ता बनाएंगे और फिर मैं जा रही हूँ, मेरा जो है मैं वो पीऊँगी। और तो देखो क्या करती हूँ, मुझे ये पीना है और वहाँ पे तो काम चल रहा है घर पे, वहाँ पे जो आपको बोल रहे थे ना कि वॉलपेपर लगने वाला है, तो एक तरफ का वॉल काम नहीं हुआ था तो उसको पुट्टी करा रहे हैं, तो आए हैं बच्चे पुट्टी करने के लिए, तो इसको पी के जाके चाय बनाएंगे। तो मेरा पीना खत्म, जा रही हूँ चाय बनाऊंगी, फर्स्ट देखती हूँ मिल्क है या नहीं है, मिल्क है, बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा चाय भी देना है। तो अभी मैंने चाय बनाया है, मतलब चाय बना रही हूँ मैं, वो बच्चे काम कर रहे हैं ना तो उनको लेके थोड़ा चाय बिस्कर देना है, तो इसलिए चाय बना चढ़ाई हूँ और फिर बच्चे काम कर रहे हैं उनको फिर चाय लेके दूंगी, और साथ अम्मी है सब दादी है सब चाय पियेंगे, आपके भाई भी है क्या? अंसर भाई को खाली सो के काम करने बोलो, सो के बैठ के अंसर भाई काम करेंगे। तो जा रही हूँ चाय बिस्किट देने के लिए, वो बच्चे जो काम कर रहे हैं, लो भाई चार बिस्किट खाओ, बिस्किट में खाओ ना चाय मिल जाएगी, बिस्किट इसलिए खाएंगे ना मुंह में पान भर के बैठी ना। तो आंटी हमारे यहाँ पर कुछ कहती हूँ पकौड़ी बना रहे हैं हमारी आंटी, ये हमारी अम्मी के बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन, और यहाँ पे अंडा पकौड़ा।
आज हमारा इवनिंग का आज हमारा खाना यही है, अंडा पकौड़ा और पकौड़ी। आंटी का हाथ का पकौड़ी हम सबको बहुत पसंद। ये आंटी डाल दो, इसमें अभी नमाज़ पढ़ कर आए, ईशा का नमाज, उसके बाद फिर वह भी जाएंगे जिम जाएंगे और मैं भी जाऊंगी वहां पे थोड़ा ट्रेडमिल में चल के। फिर दादी को खाना खिलाना है और कुछ खाना बनाने का नहीं है, दिन में जो बनाई थी सब वही है, उसी को ही रात में खा लेंगे। और पापा तो रोटी खाएंगे बोले हैं, क्योंकि वो दांत निकाल कर आए हैं तो इसलिए बोले कि मैं रोटी खाऊंगा रात में, और रात का कुछ ऐसा काम नहीं है। उसके बाद फिर चलते हैं, जो दिखेगा जो दिखाएंगे आगे देखते रहिए। मेरी ब्लॉग आ चुका है, डे 5 का ब्लॉग आ चुका है, तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर मेरे ब्लॉग को देखो और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट ऐसे सपोर्ट करते रहो हमको, और थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, और ऐसे ही मुझे आगे तक ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, और मैं भी ऐसे आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूँगी। थैंक यू सो मच। तो ऐसे देखते रहो हमारा ब्लॉग को। तुमने चला जिम और ये चले ट्रेडमिल के पास, थोड़ा कम चलो ठीक है, ज़्यादा चलने की जरूरत नहीं, इतना स्पीड में कौन चलता है। कहाँ, मैं तो 79 में चली थी। 7.9 में क्या, थोड़ा कम चलो, और 7.9 फिर थोड़ा देर के बाद 8.4 ना क्या 8.3 ऐसी क्या, थोड़ा कम स्पीड में चलो और कम टाइम के लिए चलो, धीरे 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 बढ़ाओ, इतना सडनली इतना बढ़ा क्या पाएगा। मैं कल 2.5 किलोमीटर चली थी। इतना चलने की जरूरत नहीं, कम कम चलो ठीक है। तो ऐसे देखते रहिए ब्लॉग को ठीक है, जो भी होगा आपको दिखा देंगे आपको, तो बस वेट कर चलो कर दो। खत्म, मेरा वर्कआउट खत्म हो गया नाइट का, तो फिर जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करके दादी को जाके खिलाऊंगी। मेरा बॉडीगार्ड मेरे पीछे है ठीक है, ये दोनों ऐसे के। तो गाइस वर्कआउट खत्म, टाइम हो गया 11, तो आप लोग तो देख चुके होंगे क्या वर्कआउट किया था, जिस शोल्डर को वर्कआउट किया था आज, तो जितना हो सका उतना किया, ज़्यादा वर्कआउट मुझे पसंद नहीं है, बस
एक घंटा बहुत ज़्यादा मेरे लिए, और बस आज शोल्डर वर्कआउट था सफिशेंट, जितना ज़रूरत था मुझे उतना मिल गया मेरे बॉडी को। बस अभी घर के लिए निकला, तो बस ज़्यादा कि नहीं 11 बजे तक मेरा डेड लाइन, उससे ज़्यादा टाइम तक मैं रह नहीं सकता बाहर, उसके बाद मैं घर। तो चलो फिलहाल मैं घर जाते हैं, तो आज बारिश वगैरह कुछ नहीं है तो आज मैं स्कूटी लेके आया हूँ, तो उसमें चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए अनिशा को, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ऐसे ही ब्लॉग को देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। आगे जिम से वो कैसा हो रहा है, देखो बाहर जाएगा, हो रहा है कि इसको लेके जाने के लिए बाहर हो गया, जिम खत्म खत्म, अभी जाएंगे शेरू का ड्यूटी करने के लिए। इधर 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 अभी बांध ले, इधर उधर ड्यूटी करता हूं। दोपहर का खाना अभी खाएगा। तो मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया, साफ सफाई भी हो गया है किचन पूरा, और तो मैं जा रही हूँ अपने भाई को खाना खिलाऊंगी, भाई आ चुके हैं, देखते हैं। तो आपका भाई आ गए और खाना भी आ चुका है उनका, वो खाएंगे अभी। तो दिन ख़त्म करके पूरा थक के आ गए, फ्रेश फ्रेश हो गए, और अभी खाना खिलाऊंगी उनको। तो जिन्होंने भी हमारा ब्लॉग नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर हमारा ब्लॉग देख लो, डे 5 वाला ब्लॉग आ चुका है, और डे 5 डे 6 डे 5 नहीं डे 6 हाँ, तो डे 6 का ब्लॉग आ चुका है हम लोग का, जाके देख लीजिए। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना, सपोर्ट भी करना हम दोनों को, और हम दोनों को ऐसे सपोर्ट करते रहो और हम दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, और आप सबकी दुआ से हम दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्या बोलते हैं, यही जुड़े रहेंगे आपके साथ हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, बोलो कुछ, क्या बोलूं, कुछ नहीं, बोलते हो नहीं, बस वीडियो को, सारा वीडियो को देखिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करके रखिएगा तो हमारा डेली बेसिस का वीडियो आएगा, जो भी हो सकेगा, छोटा से बड़ा, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, हम कोशिश करेंगे आप सबके लिए हर दिन वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और बस ये सब चीज़ और भी आसान हो जाएगा जब आप लोग हमारे साथ रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, कोई भी कमी होती है आप बताइए, ठीक है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में इधर उधर होता होगा, हम लोग कमेंट में थोड़ा देख रहे थे लैंग्वेज का, थोड़ा इधर उधर क्या करिए, तो हमारा चाइल्डहुड यानी कि ये हो चुका है ना, हम लोग डेली बेसिस ऐसे बात करते करते ऐसी आदत हो गया है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे सुधारने के लिए, ठीक है। बट बस ऐसे ही साथ देते रहिए, वीडियो को आगे देखते रहिए, और स्किप मत कीजिएगा, हाँ स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो क्या होता है ना, हमारा जो इतना टाइम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप जब छोटा छोटा करके देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना बड़ा वीडियो बनाने का हमारा, और ये जो इतना लंबा वीडियो बना के मेहनत करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए जब टाइम नहीं मिलता तो जब टाइम मिलेगा तब बैठ के देखिएगा, ठीक है। बस यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बस ऐसे ही साथ दीजिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आप सबको अच्छे से अच्छा ब्लॉग देने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।